नमस्कार, मैं तन्वी हर्बल संचालिका डॉक्टर मेधा मेंदड़े आप सभी को संबोधित कर रही हूँ। इस लॉकडाउन के पीरियड में तन्वी हर्बल्स के बारे में जो जो लोग दवाई ले रहे हैं उनकी बहुत सारी क्वेरीज है, तो उसमें से जो मेन क्वेरीज थी वो डायबिटीज़ के बारे में थी। जो जो हमारे पेशेंट्स है वो तन्वी की डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर पुष्कराज से, अपने बाकी पैनल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे, तो ये ट्रीटमेंट्स लेते समय उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि अगर ये तकलीफ़ है तो हम और एक्स्ट्रा क्या लें। तो उसके बारे में ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट और हर्बल ट्रीटमेंट, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। डायबिटीज़ जब भी होता है या डिटेक्ट होता है तो अपने पूरे जीवन का जैसे आनंद ही निकल जाता है। वो दिन से शक्कर खाना बंद, गुड़ खाना बंद, और मन में एक तनाव, हमने मीठा खाया शुगर बढ़ गई तो, ये सब चक्र चालू हो जाता है। जब भी आपकी शुगर डिटेक्ट होती है तभी अगर आप तन्वी हर्बल्स ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो ये सब कंट्रोल में रख के थोड़ा सा मीठा खाना, अपने जीवन की खुशियाँ बरकरार रखना, ये आपके हाथ में होगा अपने तन्वी पैनल डॉक्टर्स की सलाह से। और इसके लिए अपने जो जो क्लिनिक्स हैं, तन्वी घंटाली ठाणे है, तन्वी दादर है, वहाँ रोज़ सवेरे शाम अपने तन्वी डॉक्टर्स फ्री कंसल्टेशन पिछले 27-28 साल से दे रहे हैं। आप उनके पास फ़िलहाल तो नहीं जा सकते, लेकिन हमने जो FB पे पोस्ट डाल के नंबर्स दिए हैं उनके गिवन टाइमिंग्स में आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो डॉक्टर्स आज भी आप तन्वी की ट्रीटमेंट चालू करना चाहेंगे, डायबिटीज़ की, BP की या कोई भी दवा, तो आपको वो बराबर गाइडेंस देंगे और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी वो मॉनिटर करेंगे। डायबिटीज़ होने की जो वजह आयुर्वेद में बताई गई है वो ऐसी है, दो प्रकार के डायबिटीज़ बताए गए हैं। एक धातु क्षय होके शरीर में वात बढ़ने से होता है और दूसरा शरीर का पित्त और कफ दूषित होके होता है। इसमें से वात बढ़ के जो होता है उसमें ये जो बाकी सारी तकलीफें हैं वो ज़्यादा दिखती है, जैसे नसों का दबना है या सेंसेशन कम, आँखों में जो प्रॉब्लम आता है, यूरिन में प्रॉब्लम आता है, ये तो होता ही है। लेकिन जो कफ पित्त बढ़ने की वजह से या कफ पित्त दूषित होने की वजह से जो शुगर बढ़ती है उसमें फ्लक्चुएशन ऑफ काउंट वो ज़्यादा दिखाई देता है, मतलब अचानक से शूट हो जाती है, अचानक से नीचे आ जाती है, हाइपोग्लोसीमिया होता है कभी। तो ये सब का ध्यान रख के जुवेनाइल डायबिटीज़ हो या कोई भी टाइप का डायबिटीज़ हो उसमें अपनी तन्वी की डायबिट ट्रैक जो है वो डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तन्वी की जो डायबिट ट्रैक ये दवा है ये डायबिटीज़ के लिए पैंक्रिया टॉनिक करके काम करती है। हमारे स्वादुपिंड का जो कार्य है इंसुलिन की निर्मिति करके शरीर पाचन के रस तैयार करना, पाचन करना, इसमें अगर इंसुलिन ठीक तरह से निर्माण न हो तो फिर ब्लड में और यूरिन में शुगर डिटेक्ट होती है। तो शरीर तो निर्माण करता ही है इंसुलिन, लेकिन उसकी शक्ति इंसुलिन निर्माण में जब भी कम हो जाती है तब हमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तब तक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती, और शुरू में फर्स्ट टाइम अगर आपको काउंट डिटेक्ट होता है तो एकदम से रासायनिक दवा चालू करने की ज़रूरत नहीं होती। आप 3-4 बार ऐसे ही ट्राई करके देखेंगे, चेक करेंगे, डाइट करके चेक करेंगे और फिर शुगर डिटेक्ट होती है तो फिर उसके लिए दवाई लेना ये ज़रूरी होता है। इससे पहले अगर आप कोई भी रासायनिक दवा चालू करें उसके पहले आप डायबिट ट्रैक जो अपनी दवा है और तन्वी शता की ऐसे 2-2 गोली दिन में 2 बार खाने के पहले पहले दवाई लेनी है और तुरंत खाने को बैठना है। आप ये चालू करके देख सकते हैं। इससे अगर आपको लगता है कि अच्छा रिलीफ आ रहा है तो फिर आपको रासायनिक दवा लेनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत सालों से डायबिटीज़ है, तो अगर ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जो रासायनिक दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे हैं तो उनको अपने जो डॉक्टर्स की दवा है वो चालू रखनी है, उसके साथ अपनी तन्वी की दवा चालू करनी है। जैसे जैसे शुगर के काउंट में फ्लक्चुएशन आएगा अपने डॉक्टर को पूछ के रासायनिक दवा कम करनी है, क्योंकि उनका जो विचार है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप उनको कंसल्ट करते रहते हैं हमेशा, तो उनको भी जो भी वो बताएंगे वो भी ध्यान में लेना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो डायबिटीज़ में अगर आपको हेरिडिटरी डायबिटीज़ है
और आपको लगता है कि मेरी शुगर लेवल बॉर्डर पे है, कभी भी बढ़ सकती है और टॉनिक स्वरूप मुझे कुछ लेना है, तो डायबिट्रिक की एक गोली पैनक्रिया टॉनिक करके आप ले सकते हैं। ये पैनक्रिया टॉनिक करके लेने से इंसुलिन निर्मिति शरीर में नॉर्मल तैयार हो, इसके लिए भी एक टॉनिक स्वरूप स्वादुपिंड का कार्य सुनियंत्रित रहने के लिए मदद करेगी। जिनको शुगर है उनको जैसे मैंने बताया डायबिट्रिक की दो गोली और तन्वी शता की दो गोली, जो नॉर्मल शुगर है थोड़ी सी बढ़ी हुई है उनके लिए इतना काफ़ी है, लेकिन जिनको बहुत ही ज़्यादा शुगर बढ़ी है उनके लिए फिर हम दो तन्वी शता, दो डायबिट्रिक, एक स्वीट स्लिम दिन में दो बार लेने के लिए कहते हैं या तीन बार भी देते हैं। और जिनमें इंसुलिन इंजेक्शन चालू है उनमें तो हम लोग दो डायबिट्रिक या चार डायबिट्रिक एट ए टाइम दिन में दो या तीन बार चार बार डॉक्टर की सलाह से हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते हैं, और उसमें डायबिट्रिक शता, तन्वी शता, उसके साथ स्वीट स्लिम और शतजीवंती भी देते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ से हार्ट पे प्रेशर आता है और नसों में जो ताकत है वो कम होने लगती है, तो उसके लिए शतजीवंती उसके साथ लेना ये बहुत अच्छा टॉनिक स्वरूप आपके शरीर को फ़ायदा देगा, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहने में वो मदद करेगा। डायबिटीज़ होने पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो रोज़मर्रा के हमारे जो फ्रूट्स हैं वो हम खा सकते हैं, गुड़ थोड़ा सा खा सकते हैं, और अपने जीवन में वैसे भी रोज़ तो हम मीठा तो खाते ही नहीं हैं, लेकिन वो समय में जो सीज़न में फ्रूट्स आते हैं वो आप खा सकते हैं, और कभी कभार आप अगर कुछ मीठा खा ले तो उसके बाद एक या दो डायबिट्रिक की गोली आप वापस भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कितने जन के अनुभव मैं आपको बता सकती हूँ। एक ऐसे पेशेंट्स थे उनकी 350 से ऊपर शुगर रहती थी, जब भी हमारे क्लिनिक में आए थे तो हमने उनको कहा था कि आप पहले एलोपैथी के साथ ये दवा चालू कर दीजिए, तन्वी की दवा। उनका जो रिपोर्ट था नाड़ी परीक्षण करके और उनको जो दवाई हमने दी थी, तो उनको हमने ऐसे बताया था कि आप दोनों चालू रखिए। वो पहले से तन्वी शता उन्होंने चालू कर दी थी एक दो महीने पहले, उनको उसका जो ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, उत्साह रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए, तेजस्वी त्वचा, दांत, केस, घने जो बाल होते हैं उसके लिए, शक्ति स्फूर्ति के लिए उनको अच्छा फ़ायदा हुआ था, और उनका विश्वास था कि तन्वी की हर्बल दवा से ही मेरा डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो सिर्फ तन्वी की दवा लूँगा, मैं ये जो रासायनिक दवा है मैं बंद कर लूँगा। हमने उनको कहा था कि ऐसा आप मत कीजिए, आप दोनों चालू रखिए, जैसे जैसे आपको रिजल्ट आएगा आस्ते आस्ते आपकी डॉक्टर की सलाह से आप कम करना। फिर भी उन्होंने चालू कर दिया तो हमने उनको कहा था कि हर हफ्ते आप ग्लूकोज मीटर पे चेक करके हमें रिपोर्ट कहते जाइए। दो तीन महीने हो गए उनका, जैसी शुगर एलोपैथी की दवा लेके थी वैसा ही काउंट उनका रहा, तो तभी भी हमने उनको बताया कि आपको अगर चाहिए तो इसके साथ आप एलोपैथी की जो आपकी दवा है वो चालू कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं ये क्यों नहीं करूँगा, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि पहले जब भी मेरी रासायनिक दवा चालू थी तो मुझे कुछ न कुछ मैं बीमार हूँ ये फीलिंग रहती थी, गैस होता था या धड़कन बढ़ती थी या सेंसेशन थोड़ा सा पाँव में कम हो जाता था, और मुझे बहुत परेशानी होती थी, मानसिक तनाव रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये डायबिट्रिक, तन्वी शता, वातशांति, शतजीवंती, स्वीट स्लिम ये सब लेना चालू किया है, ओजस्सा रात को लेना चालू किया है, तो मुझे इतना सुकून मिल गया है कि मुझे खुद को तंदुरुस्त लग रहा है, मैं खुद को फिट महसूस करता हूँ, और इसलिए मैं अभी फ़िलहाल दूसरी कोई दवा इसमें ऐड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तन्वी लूँगा। उसके बाद आस्ते आस्ते उनकी शुगर कम होते गई और फिर वो नॉर्मल में आ गई। डायबिटीज़ के लिए बहुत जन ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज़ क्योर हो सकता है, तो तन्वी हर्बल्स क्योर होता है ऐसा नहीं कहता। तन्वी हर्बल्स हमेशा ऐसा कहता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल रहने के लिए आपका डाइट यही सर्वथा अच्छा होना चाहिए, उसके साथ नेचुरल दवा जब भी आप लेते हैं तो कोई रासायनिक दवा से आप शुगर कंट्रोल नहीं करते, उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होते। ये दवा लेने से आपके पूरे शरीर को फ़ायदा होता है,
बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे हैं जो हमें कहते हैं कि हम तो शुगर के लिए दवा ले रहे थे, लेकिन हमारा नेक पेन था, बैक पेन था, शोल्डर पेन था, वो भी हमारा कम हो गया। और फिर अचानक से हमें याद आया कि अभी अभी फ़िलहाल 2 महीने से हम ये दवा चालू कर दी और ये भी हमें फ़र्क महसूस हुआ, हमने तो पेन के लिए दवा नहीं ली थी। आयुर्वेद ऐसा ही है, आयुर्वेद से पूरा शरीर तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, इसके लिए ये दवा काम करती है। डॉक्टर पुष्कराज धामणकर जो अपने तन्वी घंटारी ठाणे क्लिनिक में रोज होते हैं और अपने दादर क्लिनिक में हर गुरुवार को जाते हैं, अभी फ़िलहाल तो क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं है, सिर्फ दवा वहाँ उपलब्ध है, ऑनलाइन भी ये दवा सब मिलती है और केमिस्ट के पास ये दवा उपलब्ध है और क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं है लेकिन दवाई उपलब्ध है। तो डॉक्टर पुष्कराज धामणकर के पास इतने सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इंसुलिन चालू था और आस्ते 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 6-8 महीने के दौरान उन्होंने पहले इंजेक्शन बंद कर दिया, फिर रासायनिक गोलियां कम करते करते अब सिर्फ तन्वी हर्बल के उपचार पे वो पेशेंट्स को लेके आए हैं। लेकिन ये रिज़ल्ट ऐसा नहीं कि आज ठीक हो गया मतलब क्योर हो गया, ये हमें हमेशा मेंटेन करना है, अपनी शुगर लेवल जो है वो हमेशा बराबर लेवल पे रहे। जनरली हम लोग देखते हैं कि 70 to 110 है या 110 to 140 है, ये जो फास्टिंग और पोस्ट लंच के जो काउंट्स है, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आ जाते हैं जिनके 600-700 भी शुगर काउंट है, उनको पता ही नहीं होता है, डिटेक्ट करने पर उनको ये मालूम पड़ता है। ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि बच्चों में शुगर लेवल ज़्यादा है, उनको पता ही नहीं होता है, तो उनके लिए यहाँ आके चेक करना, डायबिटीज़ है, हार्ट ब्लॉकेजेस है, उसके लिए हमारे डॉक्टर्स की सलाह लेके ये दवा चालू करना ज़रूरी होता है। लेकिन एज अ पैनक्रिया टॉनिक आप ये ज़रूर एक टैबलेट ऑफ डायबिट्रैक आप रोज़ ले सकते हैं। ये जो डायबिट्रैक है वो आपको आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रखने के लिए, पैनक्रिया का जो फंक्शन है इंसुलिन निर्मिति का वो ठीक तरह से होने के लिए ये काम करेगा। सर्वसाधारण रूप से आयुर्वेद में आंवला और हल्दी ये डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। आंवले का किस बना के उसमें हल्दी पाउडर डाल के आप अगर वो धूप में सुखाएंगे और वो जो सुपारी जैसी पाउडर तैयार हो जाएगी, आप खाने के बाद रोज अगर गर्म पानी के साथ वो चबा के पहले खानी है जो सुपारी तैयार हो जाएगी आंवले की, और उसके ऊपर गर्म पानी लेना है, बहुत अच्छा फ़ायदा डायबिटीज़ में। ये जब तक डायबिटीज़ नहीं होता तब तक टॉनिक स्वरूप आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ का काउंट बढ़ने के बाद आपको दवाई लेना ये ज़रूरी है। योगासन, व्यायाम, चलने का व्यायाम करना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हम तो ये सब भूल ही जाते हैं कि डायबिटीज़ क्यों निर्माण होता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो आदमी एक जगह पे ज़्यादा बैठता है, जो आदमी सिर्फ सोता रहता है और भारी तरीके का जो डाइजेशन के लिए बहुत कठिन ऐसा खाना है वो रोज खाता है, उसको डायबिटीज़ होता है। तो अगर हम लोग जो खाएंगे वो पचाने की शरीर को ताकत ही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए व्यायाम करना ये भी ज़रूरी है। चलने का व्यायाम आप कर सकते हैं, ये स्वीट स्लिम जो है, सिर्फ स्वीट स्लिम भी एक डायबिटीज़ के लिए टॉनिक स्वरूप भी आप ले सकते हैं, आपको डायबिटीज़ की डायबिट्रैक भी लेने की ज़रूरत नहीं। जिनको ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी सी बॉर्डर लाइन शुगर है तो आप सिर्फ स्वीट स्लिम भी ले सकते हैं, उससे आपको स्लिमिंग के लिए भी फ़ायदा होगा और शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स भी आपका कंट्रोल में रहेगा। एक पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी थे, वो आए थे और उन्होंने बताया कि मैं एक तन्वी की दवा मैंने चालू कर दी है, मुझे उससे बहुत अच्छा फ़ायदा है, लेकिन मैं जब भी छुट्टी लेके घर में बैठता हूँ तो मुझे डायबिटीज़ का तकलीफ़ नहीं होता, बढ़ता नहीं है, शूट नहीं होता है, लेकिन मैं ऑफिस गया तो रोज़ फ्लक्चुएशन मुझे दिखता है। तो मैंने उनको वही बताया कि छुट्टी लेके घर में बैठना ये कोई इसके ऊपर का इलाज नहीं है, कौन से भी समय में हम हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल रख सके ऐसे हमारी मन की और शरीर की दोनों की ताकत होनी चाहिए। और बहुत जन जिनको वर्कलोड से, काम के टेंशन से डायबिटीज़ होता है, उनको सिर्फ ओजसा की एक टैबलेट भी हम रोज़ रात को लेने को कहते हैं तो उससे भी उनकी शुगर अपने आप कंट्रोल में आती है, क्योंकि उनको स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ होता है।
बहुत बार हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनमें मासिक जो पीरियड है मेंस्ट्रुअस वो टाइम पे नहीं आया, तो तभी भी जो पीसीओडी है या रेगुलर पीरियड्स है उसमें भी डायबिटीज़ की दवा दी जाती है। तो तभी अगर डायबिट्रैक न देते हुए स्वीट स्लिम वात शांति तन्वी शता नियमित रूप से वो लड़कियों को लेडीज़ को दिया जाए और रात को सोने के समय तन्वी ज्येष्ठा और तन्वी तिला एडिबल ऑयल दिया जाए तो पीरियड रेगुलर आने में उनको फ़ायदा होगा और डायबिटीज़ की कोई भी दवा नहीं देनी पड़ेगी। प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है उसमें भी सेफली डायबिट्रैक तन्वी शता नियमित रूप से दे सकते हैं, उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। और जो बाकी केमिकल दवा हम लोग तभी नहीं दे सकते वो समय डायबिट्रैक दे के शुगर कंट्रोल करने में इसका फ़ायदा होता है। ये जो डायबिट्रैक है ये पैंक्रिया टॉनिक होने की वजह से आपके शरीर में शरीर तंदुरुस्त रहने के लिए भी फ़ायदा होता है और डायबिटीज़ की वजह से आपके बाकी ऑर्गन्स पे जो नुकसान होता है, आँखों के लिए है, हार्ट के लिए है, आपकी नसों के लिए है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो उसके लिए भी एक टॉनिक स्वरूप ये डायबिट्रैक काम करता है। डायबिटीज़ जिसको है उसको नपुंसकता भी बहुत बार दिखाई देती है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इसके लिए हम हमारे पेशेंट्स को दो डायबिट्रैक दो तन्वी शता के साथ तन्वी गोरेक्स जिसमें अश्वगंधा सत्व है वो भी लेने को सजेस्ट करते हैं। उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स जिनमें रहते हैं वो भी ठीक होने में और फर्टिलिटी के लिए भी उनको उसका फ़ायदा होने लगता है। तो डायबिटीज़ अगर प्रेगनेंसी में भी हो या बाद में प्रेगनेंसी के बाद भी हो तो उसमें भी ये डायबिट्रैक लिया जाता है, उसके लिए हमारे डॉक्टर्स की सलाह भी आप ले सकते हैं। जो जो फ़ोन नंबर्स मैंने दिए हैं डॉक्टर्स के उनके टाइमिंग में ही आप फ़ोन कीजिए तो वो डॉक्टर को भी सुविधा होगी। आपका फीडबैक वो डॉक्टर मॉनिटर करेंगे, आपका जो रिज़ल्ट है डायबिटीज़ कितना कम हुआ है, जो हमारी तन्वी की भी दवा है कम ज़्यादा कैसे करनी है वो भी देखेंगे। अगर उसके साथ आपको आर्थराइटिस की तकलीफ है तो उसमें क्या ऐड करना है वो भी देखेंगे और आपको बता देंगे। इस प्रकार से कल आर्थराइटिस की जो तकलीफ होती है उसमें क्या दवाई लेनी है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तन्वी हर्बल्स की दवा लेके बहुत सारे पेशेंट्स डायबिटीज़ नेचुरल स्वरूप ये जो तन्वी हर्बल का उपचार है उससे कंट्रोल कर रहे हैं। आप भी ज़रूर ये इस्तेमाल करके देखिए और जिनको फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ है वो पहले तन्वी लेके देखिए, तन्वी फर्स्ट, क्योंकि वो हर्बल है। और अगर उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो हमारे डॉक्टर्स की सलाह से आप जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है उनसे दूसरी कोई केमिकल दवा ज़रूरी है तो आप ले सकते हैं। लेकिन आज तक हमें ऐसे नहीं दिखा कि तन्वी की दवा लेने के बाद उनको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। डायबिटीज़ में सातू और दूध ये लेना बहुत ज़रूरी बताया गया है। सातू मतलब बार्ली और ये समर सीज़न में बार्ली का पानी तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और बार्ली की जो भाकरी बनाते हैं, ज्वार की भाकरी बनाते हैं, नाचनी की भाकरी बनाते हैं, ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा उपचार होता है। उसी के साथ लीवर फंक्शन में अगर कुछ गड़बड़ है, डिफेक्ट है, तो उससे भी डायबिटीज़ बढ़ता है। तो इसके लिए तन्वी लीवा की अपनी जो एक टैबलेट है, जिनमें शुरुआत है या जिनमें तकलीफ है डायबिटीज़ बढ़ता है उनमें हम टॉनिक स्वरूप देते हैं, उससे लीवर फंक्शन भी ठीक हो जाता है और डायबिटीज़ के लिए टॉनिक स्वरूप ये भी उपचार काम करता है। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं उनको अभी पता चल गया है कितने सालों से वो डायबिटीज़ के लिए तन्वी की दवा ले रहे हैं, तो कैसे कम ज़्यादा करना है, ज़्यादा मीठा खाने के बाद क्या एक्स्ट्रा लेना है, वो उनको हमारे डॉक्टर्स का गाइडेंस प्रॉपरली लेने के बाद पता चलता है। वो पूरे अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को बताते रहते हैं कि ये दवा से हम तंदुरुस्त हैं और हमारे जीवन का आनंद नहीं कम हुआ, हम तन्वी हर्बल्स के साथ हमारा डायबिटीज़ और हमारे जीवन का आनंद दोनों भी उसी तरह से इंटैक्ट है और कंट्रोल में रख रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो कल मिलेंगे ये इसी समय, लॉकडाउन ख़त्म होने तक 3 मई तक ये रोज मैं ऐसा एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। लॉकडाउन आगे भी चालू रहा
तो भी एक छोटा सा वीडियो हफ्ते में एक दिन ज़रूर बनाया करूँगी। जो हमारी तनवी की कॉम्पिटिशन्स ली हुई है, मई एंड तक उसके रिजल्ट्स हम लोग ज़रूर डिक्लेयर करेंगे, वो FB में, और पेशेंट्स जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मेल ID पे, व्हाट्सएप पे भी हम लोग भेजेंगे। आप सब लोगों ने तनवी हर्बल्स को तो आप रिस्पॉन्स हमेशा देते हैं, क्योंकि तनवी हर्बल्स आपका विश्वास है, आपकी तंदुरुस्ती का एक मंत्र है, हेल्थ मंत्र है। लेकिन ये जो पार्टिसिपेशन आप सबने किया, उसमें कोरोना के इतने सारे सुझाव लोगों ने दिए हैं, उसमें ऐसे लिखे हुए हैं, स्लोगन्स हैं, तो अगर हो सके तो हमारा अजीसा बटवा करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी उसमें से जो सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं वो, या सिलेक्टेड जो प्रोग्राम्स हैं वो डालने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो कल मिलते हैं आर्थराइटिस की जानकारी के साथ। धन्यवाद।